भुवनेश्वर आने का इतना मौका तो मिलता नहीं है। आई थिंक दो साल के बाद या कुछ भुवनेश्वर आए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और आज मैं आई हूँ ओडिशा 2019 के लिए, सो आई एम एक्साइटेड फॉर द इवनिंग। ऑल द बेस्ट टू द पार्टिसिपेंट, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट शो। नाउ व्हाट इज द मैसेज यू वांट टू से द मॉडल्स हु आर जॉइनिंग दिस? ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, प्लीज वर्क हार्ड एंड एवरीबॉडी इज अ विनर, सो डोंट लूज। मैम व्हाट आर योर प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट? मेरी अभी ढाका रिलीज हुई है पंजाबी फिल्म, और पंजाबी फिल्म है और हम भी अकेले तुम भी अकेले रिलीज होगी फरवरी। ओडिशा के बारे में दिस इज सेकंड टाइम, व्हाट दिस इज माय सेकंड टाइम, बट ओडिशा समा मैंने इतना देखा नहीं है। मैं जब आती हूँ वो एक ही दिन का ट्रिप होता है, आती हूँ और नेक्स्ट डे सुबह चली जाती हूँ, तो मौका नहीं मिला है ओडिशा देखने का, बट ज़रूर देखना चाहूँगी। यहाँ के जो फेमस पकवान है वो ज़रूर जाएगा। वेल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार भुवनेश्वर आई हूँ, तो टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ये प्लेस एक्सप्लोर करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है इस जगह के बारे में और काफ़ी खूबसूरत है ये सिटी। और ब्यूटी पैजेंट हम बेसिकली ओडिशा ब्यूटी क्वीन पैजेंट के लिए आए हैं, और मैं खुद एक ब्यूटी क्वीन रह चुकी हूँ। मिस ग्लोब का खिताब मैंने जीता है, मैं पहली भारतीय हूँ जिसने ये खिताब जीता है, तो ये पैजेंट मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि यू नो आई एम श्योर द कंटेस्टेंट्स आर अमेजिंग, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और देखते हैं आज पैजेंट में क्या एक्सपीरियंस मुझे मिलने वाला है कंटेस्टेंट्स। भाई।